या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी माँ की। भक्तों, जब जब धरती पर पापों का भार बढ़ा है, माँ ने अलग अलग रूपों में आकर अपने भक्तों का उद्धार किया है। आइए भक्तों, आज मैं आपको एक संगीत में माता की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे माँ भवानी ने महादुर्गा का रूप धारण कर पापी महिषासुर का अंत किया था और देवी देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया था। ये पवित्र गाथा मैंने वेद पुराणों के माध्यम से ली है भक्तों, और इन्हें अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है। तो आइए सुनते हैं ये पवित्र पावन कथा। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए महादुर्गा भवानी की। देवों के हित में माने दुर्गा का रूप धारा, देवों के हित में माने दुर्गा का रूप धारा। कैसे भवानी माने महिषासुर को मारा, देवों के हित में माने दुर्गा का रूप धारा, देवों के हित में माने दुर्गा का रूप धारा। भक्तों, दैत्य महिषासुर दैत्य रंभासुर का पुत्र था। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने तपोबल के माध्यम से अनेक अनेक शक्तियां अर्जित की थी। इसके जन्म की भी अनोखी कथा है भक्तों। इसका जन्म मनुष्य और महिषी अर्थात भैंस के मिलन से हुआ था। इसीलिए इसके पास ये अलौकिक शक्ति थी कि यह जब चाहे असुर का और जब चाहे भैंसे का रूप धारण कर सकता था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। तीनों लोग उसकी तपस्या से कांप उठे थे। देवों के मना करने पर भी भगवान ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने आना ही पड़ा। उसने पहले तो वर में अमर होने का वरदान मांगा, परंतु जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियमों का हवाला दिया तब उसने कहा, हे भगवान, यदि ऐसा है तो मुझे ये वर दीजिए कि मैं केवल एक कुमारी कन्या के ही हाथों मारा जाऊं। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इस पर वो और बलशाली होकर दैत्यों की सेना एकत्रित कर स्वर्ग पर चढ़ाई करता है और देवराज इंद्र को अपने राज्य से बेदखल कर उन सभी देवी देवताओं को बंदी बनाकर स्वर्ग पर अधिपत्य हासिल कर लेता है। करी स्वर्ग पे चढ़ाई देवों को था हराया, करी स्वर्ग पे चढ़ाई देवों को था हराया। कुछ बंदी थे बनाए और कुछ को था भगाया, करे हाहाकार देवा तेरे देवों को पुकारा, देवों के हित में माने दुर्गा का रूप धारा। बचे खुचे देवी देवता त्रिदेवों की शरण में हाहाकार मचाते हुए आते हैं।
रक्षा कीजिए त्रिदेवों, हमारी रक्षा कीजिए। त्रिदेव भी भला क्या करते, ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान में बंधे हुए थे। क्रोध और क्षोभ में तीनों देवों ने मिलकर ध्यान लगाया। उनके ध्यान से एक शक्ति पुंज प्रकट हुआ भक्तों, और उस शक्ति पुंज ने एक नारी का स्वरूप धारण किया। स्वर्ण जैसी कांति लेकर वो नारी प्रकट हुई। उसकी 8 भुजाएं थी भक्तों, लंबे काले केश थे, आंखें लाल, और क्रोध में वो थर थर कांप रही थी। अब त्रिदेवों ने निर्णय किया कि इस नारी को अपनी अपनी शक्तियों से परिपूर्ण करना होगा, ताकि ये हमारी रक्षा करे। सभी देवों ने उन्हें महादुर्गा के नाम से पुकारा और जय जयकार करी। शक्ति पुंज एक जन्मा, नारी का रूप धारा। शक्ति पुंज एक जन्मा, नारी का रूप धारा। देवों ने मिल के भक्तों दुर्गा कह के पुकारा। मैया हमें बचाओ, देवों ने था उचारा। देवों के हित में माने दुर्गा का रूप धारा। सभी देवी देवताओं ने मिल माँ के चरणों में आह्वान किया, हे माँ हमारा रक्षण दैत्य महिषासुर से कीजिए, हमें बचाइए माँ, हमें बचाइए। इस पर त्रिदेवों ने कहा, इस महाशक्ति को पहले दिव्य अस्त्रों और शक्तियों से सुसज्जित करना होगा। सबसे पहले भगवान शिव शंकर ने अपना त्रिशूल, माथे का चंदा, माँ गंगा का वेग, चंद्रहास खड़क, गले के काले नाग व कानों के बिच्छू माँ को समर्पित किए। विष्णु जी ने गदा, शंख और चक्र सुदर्शन माँ के हाथों में समर्पित किया। भगवान सूर्य ने अपनी ऊष्मा और तेज, पवन ने अपना वेग, मेघों ने वर्षा, यम ने अपना दंड, ब्रह्मा जी ने अपना पाश, इंद्र ने वज्र और एरावत, तथा हिमाचल ने सवारी हेतु सिंह माँ को समर्पित किया। सभी हाथों में दिव्य अस्त्रों और शक्तियों को धारण कर माँ ने भयंकर हुंकार किया और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। आठों भुजा में अपनी अस्त्रों को माने धारा। आठों भुजा में अपनी अस्त्रों को माने धारा। सिंह की करी सवारी, माने भरा हुंकारा। चंडी का रूप माने भक्तों के हित में धारा। देवों के हित में माने दुर्गा का रूप धारा। भयंकर नाद करती हुई माँ रणचंडी का रूप धर युद्ध भूमि में आई। महिषासुर का सेनापति 1 करोड़ असुरों की सेना लेकर माँ के सन्मुख आया। भक्तों, माँ ने मुख से भयंकर अग्नि प्रकट की, तथा 50,000 असुर अग्नि में जलकर भस्म हो गए। बाकी के बचे 50,000 असुर माँ ने तूफान और वर्षा में बहा दिए। इसके बाद एक बार फिर करोड़ों करोड़ों असुर माँ के सन्मुख आने लगे।
कभी माँ चक्र सुदर्शन मार उनका शीश धड़ से उड़ा देती, तो कभी इंद्र के दिए एरावत उनके सिर को कुचल देते। उसके दिए वज्र के प्रहार से लाखों असुर मरने लगे। असुर सेना में हाहाकार मच गया भक्तों, और जब सारी असुर सेना समाप्त हो गई तब अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध करने आया। माँ के साथ माया युद्ध करने लगा, कभी असुर बनता तो कभी भैंसा, लेकिन माँ के हाथों कब तक बच सकता था। केशों से पकड़ा माने धरती पे था गिराया, केशों से पकड़ा माने धरती पे था गिराया। मैया के सिंह ने भक्तों पैरों तले दबाया, सीने पे फिर असुर के शिव का त्रिशूल मारा, देवों के हित में माने दुर्गा का रूप धारा। जैसे ही भगवान शिव के त्रिशूल से महिषासुर का अंत हुआ, तीनों लोकों में महादुर्गा के नाम की जय जयकार होने लगी। भक्तों, ब्रह्मा जी के वर की लाज रखते हुए माँ ने कुंवारी कन्या बन पापी महिषासुर का अंत किया। माँ और महिषासुर के मध्य पूरे 9 दिन तक युद्ध चला था भक्तों। इसीलिए तब से परंपरा है कि साल में 2 बार नवरात्रों के रूप में हम महादुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा 9 दिनों तक करते हैं। तो तीनों लोकों की अधिष्ठात्री माँ महादुर्गा की जय जयकार कीजिए मेरे साथ। बोलिए बोलिए महाशक्ति महादुर्गा मैया की। महादुर्गा माँ की भक्तों जय जय तो मिल बुलाओ, महादुर्गा माँ की भक्तों जय जय तो मिल बुलाओ। चुनरी लाल चढ़ा के चंदन तिलक लगाओ, बनेंगी भक्तों सच्चा तो एक सहारा, माही बनेंगी भक्तों सच्चा तो एक सहारा, माही बनेंगी भक्तों सच्चा तो एक सहारा। ज्ञान का सागर दुर्गा से तीनों लोक उजागर, दुर्गा का जब नाम सुनाए यम का दूत निकट नहीं आए। रक्त बीज था समरथ पापी सुर नर मुनि धरा सब कापी, काट के सर को रक्त पी डाली दुर्गा बन गई माँ महाकाली। दुर्गम काज धरा पर कीना दुर्गा नाम सकल जगलीना, हुई कृपा जो माते तुम्हारी विष्णु बने जग पालनहारी। भीषण पड़े अकाल तो आती दुर्गे माँ पानी बरसाती, गंगा महारानी बन जाती भक्तों की है प्यास मिटाती, भूखे भक्तों की सुध लेती अन्नपूर्णा बन
में भोजन देती। शिव जी जब दुर्गा जब कीन हो, काम क्रोध सब जीत है लीन हो। दुर्गा के शरण में शीश झुकाए, शंकर महाकाल पद पाए। ब्रह्मा जी भी स्तुति गाए, दुर्गा सहारे सृष्टि बनाए। हनुमान जब शरण में आए, अष्ट सिद्धि नौ निधि को पाए। दुर्गे का कोई भेद न पाया, माही जाने माँ की माया। त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, तेरी ज्योति से जग उजियारी। दुर्गे चरण धूल जो पाते, वो कंकड़ मोती बन जाते। दुर्गा नाम है सबसे प्यारा, जिसने सारे जग को तारा। सती साध्वी माता भवानी, दुर्गा हिंगलाज महारानी। उमा माधवी चंडी ज्वाला, दुर्गा नाम संतन प्रतिपाला। दुर्गा ने जब शक्ति दीना, असुरों का संहार कीना। दुर्गा माँ चली आती है, सुनते करुण पुकार। भक्तों की रक्षा करती, जाने सकल संसार। रण में भक्त को विजय दिलाती, शत्रु दल को मार गिराती। जया और विजया बैताली, दुर्गा हरे संकट विक्राली। देखि परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो। दिव्य ज्योति है परम प्रकाशा, अपने भक्तों से है नाता। तेरी ज्योति से प्रकट दिवाकर, जिनको जग कहता है प्रभाकर। दुर्गा नाम से करे जो भक्ति, दुर्गा देती उसको शक्ति। जो भी सारे जग से हारा, उसकी मंजिल तेरा द्वारा। हारे हुए को देती सहारा, बनके माँ पूतों का दुलारा। सर्वासुर विनाशिनी दुर्गा, सर्व दानव घातिनी दुर्गा। युवती किशोरी कुमारी दुर्गा, भक्तों को अपने तारी दुर्गा। जिस रूप में जिसने बुलाया, उसने उसी रूप में पाया। राक्षस कुल का किया सफाया, भैरव को तुमने मार गिराया। अंत में भैरव तुमको पुकारा, बोला बनूंगा दास तुम्हारा। हे दुर्गे माँ कृपा तो कीजो, मुझको भी अपने शरण में लीजो। भैरव पे उपकार कीनो, कटा हुआ सिर हाथ में लीनो। तब से भैरव पूजे जाते, सुर नर मुनि सभी गुण गाते। पापी को भी देवर दान, दुर्गा बनाए जग में महान। जो भी चरण में फूल चढ़ाते, किस्मत के ताले खुल जाते। ग्रह नक्षत्र चंदा संग तारे, सभी चलते दुर्गा के सहारे। करण करावन हार है दुर्गा, शक्ति की अवतार माँ दुर्गा। पापियों का भी माँ दुर्गे कर देती उद्धार। पावन नाम के जपने से होती नैया पार। दुर्गा चरण महा सुखदाई, भक्त जनों की करे भलाई। यम के सारे त्रास मिटाती, भक्तों को नरक से मुक्ति दिलाती। सुने जो दुर्गा अमृत धारा, उसको माँ देती है सहारा। मन बंधन से मुक्त हो जाता, दुर्गा माँ की शरण को पाता। दुर्गा नाम अमंगल हरती, मंगल मैं भक्तों को करती। सबके सांसों की हवा है दुर्गा, सब रोगों की दवा है दुर्गा। सिद्धि विनायक श्री गणेशा, दुर्गा नाम को जपे हमेशा। माँ दुर्गा जब कुपित हो जाती, राजा को भी रंग बनाती। भक्तों के हर अंग में दुर्गा, भक्तों के रहती संग में दुर्गा। दुख दर्द दुर्गति को हरती, भक्तों का हित सदा ही करती। कारागार से बंदी छुड़ाती, पल भर में बिछड़ों को मिलाती। बिगड़े कर्म का खेल मिटाती,
शादी, बिगड़ी हुई किस्मत चमकाती। दुर्गा सत्य जगत सब सपना, दुर्गे सिवा नहीं कोई अपना। माँ की रचना है सारी सृष्टि, माँ की कृपा से होती दृष्टि। जो नर धर दुर्गा का ध्यान, साकर हो सदा कल्याण। विपत्ति ताहि सपने हो नहीं आवे, जो दुर्गे का जाप करावे। जो नर कह ऋण होई अपारा, सो नर पढ़े यह अमृत धारा। निश्चय ऋण मोचन होई जाय, सत्य वचन महमान हो भाई। जा कहु पुत्र होए नहीं भाई, दुर्गा नाम जपे मन लाई। निश्चय हो ही प्रसन्न भवानी, पुत्र देहिता कहु गुण खानी। दुर्गे माता स्वरूप है सारा जग संतान, आल्हा को कर दिया अमर, दे के अभय वरदान। दुर्गा जैसी माँ नहीं होती, भूखे पेट न सोने देती। जया विजया को भूख सताई, काट के गर्दन खून पिलाई। जा पर कृपा दुर्गे की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बल बुद्धि विद्या विवेक है, रूप अनेक माहेक है। महाशक्ति की रूप है दुर्गा, माँ की परम स्वरूप है दुर्गा। रक्षक भक्षक भी है दुर्गा, भक्तों की रक्षक है दुर्गा। तन में दुर्गा, मन में दुर्गा, भक्तों की कीर्तन में दुर्गा। चिंतन और मनन में दुर्गा, साधक संग संतन में दुर्गा। दुनिया की सकर्म भी दुर्गा, सत्य सनातन धर्म भी दुर्गा। दुर्गा से चलता संसार, दुर्गे की महिमा अपरंपार। जहाँ दुर्गा वही संपत्ति नाना, जहाँ न तहाँ विपत्ति निधाना। रड़ पे जपे जो दुर्गा नाम, जीत जाए वो हर संग्राम। ज्ञान और विज्ञान है दुर्गा, सर्व गुणों की खान है दुर्गा। दुर्गा वैष्णवी दुर्गा ज्वाला, देवी मोहि पर हूँ दयाला। पढ़े सुने जो अमृत धारा, उसको माँ देती है सहारा। जीवन में सब कुछ पा जाता, जय हो आपकी दुर्गे माता। दुर्गे माँ की महिमा निराली, भर देती है झोली खाली। दुर्गे के दर पे जो भी आया, बिन मांगे वो सब कुछ पाया। रवि ने रोशनी माँ से पाया, संजय शरण में शीश झुकाया। श्रद्धा सुमन कैलाश चढ़ाए, मन वांछित फल ध्यानी पाए। दुर्गा अमृत धारा जो सुने लगा कर ध्यान, मन वांछित फल पाता हो सदा होत कल्याण। नमो नमो वैष्णवी महारानी, तुम समान कोई नहीं दानी। विष्णु वंश की तुम अवतार, रत्ना कर घर प्रकटी माता। त्रिकुटा नाम जगत विख्याता, तुमने जब भीषण तप कीना। हो तपस्विनी बड़ी महान, प्रभु बोले मांगो वरदान। आपका सदा मैं करूं दीदार, कलयुग में कल की बन आऊं। तुमको अर्धांगिनी बनाऊं, त्रिकूट पर्वत पर तुम जाओ। मेरे अंश की हो अवतार, वैष्णो धर्म का करो प्रचार। श्री राम दे कर वरदान, कली
काल में भैरव आया, धरती पर उत्पात मचाया, करने लगा वो अत्याचार। वैष्णो भक्तों को भैरव सताया, खुद को वो भगवान बताया, चमत्कार माने दिखलाया, माता भंडारा करवाई, बहुत से भक्तों को बुलवाई, वेश बदल कर भैरव आया। जैसा भोजन देखा नहीं था वैसा भंडारे में पाया, चमत्कार देखा माता का, भंडारे में भैरव आया, शादी का प्रस्ताव पठाया, माता ने मंत्रण ठुकराई, दूत से बोली वैष्णवी जा भैरव के पास, अत्याचारी से कहना करूंगी उसका नाश। दूत भैरव का लौट के आया, भैरव को सब बात बताया, भैरव को हुआ क्रोध प्रचंड, बोला सैनिकों से तुम जाओ, सुंदरी को पकड़ के लाओ, माँ सैनिकों को मार गिराई, माँ ने भूमा में डेरा डाला, भैरो माँ को ढूंढ निकाला, सैनिक माँ से किए लड़ाई, माँ छोड़ी भूमा स्थान, चरण पादुका की प्रस्थान, वहाँ पे अपना शिविर लगाई, वैष्णवी संग सेना थी भारी, वैष्णवी आई अर्ध कुमारी, अर्ध कुमारी में नहीं था पानी, सैनिकों की समझी परेशानी, सूखे तालाब में भर दी पानी, आज भी तालाब है विद्यमान, गर्भ गुफा माँ वैष्णवी आई, आसन माता रानी लगाई, सेनापति भैरव का आया, भीषण युद्ध हुआ अति भारी, भैरवनाथ की सेना हारी, वैष्णो गुफा वैष्णवी आई, भैरो आया गुफा के पास, जहाँ पे वैष्णवी का था निवास, माता रानी क्रोध में आई, माई मस्तक के पास, बोली न करूंगी तुम्हें निराश, मांग लो जो चाहे वरदान, भैरव माता से बोला चूक क्षमा हो जाए, मेरे जैसे कपूत पे माता हो सहाय, पूत कपूत भले हो जाता, माता कभी न होती कुमाता, भक्त करेगा जो मेरा दर्शन, तेरा भी वो करेगा पूजन, तभी इच्छा हो उसकी पूरी, नहीं तो यात्रा रहे अधूरी, जो भी माँ का दर्शन करते, माँ का जो भी दर्शन करता, उसका घर खुशियों से भरता, माँ ही मोह है माँ ही माया, नमो नमो वैष्णवी सुख करनी, नमो नमो त्रिकुटा दुख हरणी, माँ ही सत्य है माँ ही सुंदर, ऐसे मुक्त भक्तों को करती, वैष्णवी सबके संकट हरती, भैरवनाथ कुमार गिराई, वैष्णवी वैष्णव धर्म बचाई,
जो भी आए माता के पास उसके दुखों का करती नाश, वैष्णवी की करने से भक्ति भक्तों को रखती खुशहाल, अकाल मृत्यु को देती टाल, माता का करके गुणगान मंगलमय जीवन कर देती, भक्तों के संकट हर लेती, जग में अलग है माँ की शान, रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि देती, सकल कलेश को मां हर लेती, रानियों की रानी महारानी निश दिन ध्यान जो माँ का धरता, हर संकट से पार उतरता, वैष्णवी में जो ध्यान लगाए भक्तों की विनती माँ वैष्णो सदा करे स्वीकार, अज्ञानी पुत्रों से भी माँ करती है प्यार, भक्त पुकारी तो दौड़ी आती, तनिक नहीं माँ देर लगाती, माँ वैष्णव का नाम है पावन, जो भी ले वैष्णवी का नाम कटते उसके पाप तमाम, जो भी करते माँ की भक्ति माँ वैष्णवी है बड़ी दयालु, दर्शन करते जो श्रद्धालु, सुख में उनके जीवन करती वैष्णवी नाम जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, माँ की शक्ति बड़ी अपार, माया मोह से मुक्ति दिलाती, भूले हुए को राह बताती, माँ का जो श्रृंगार कराए बांझन को पुत्रवती बनाती, भक्तन की किस्मत चमकाती, वैष्णवी की जो कर जयकार, आरती वैष्णवी की जो गाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए, माँ समान कोई नहीं दाता, जो जन ध्यान वैष्णवी कलाए, मन वांछित वरदान वो पाए, सजा के बैठी है दरबार, माता मेरी सुनो पुकार, मुझे बुलाओ अपने द्वार, मैं बालक मूरख अज्ञानी सबको तारा, मुझको तारो, अंत समय भव पार उतारो, मुझे बना लो अपना दास, विनय करे कर जोड़ के संजय तेरा दास, मेरे सारे कष्टों का मैया कर दो ना। पर दरबार सजा के बैठी माता रानी, चम 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 के चांद समुखड़ा, मन मोहे महारानी, मन मोहे महारानी, जय माता की जय।
ऊंचा पर्वत भव्य नजारा, माँ का भवन निराला है, माँ का दर्शन वही है करता जो जन किस्मत वाला है। ऊंचा पर्वत भव्य नजारा, माँ का भवन निराला है, माँ का दर्शन वही है करता जो जन किस्मत वाला है। मन की मुरादें पूरी करती मैया जग कल्याणी, चम 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 के चांद समुखड़ा मन मोहे महारानी। लाल चुनरिया सर पे सोहे, गले में फूलों की माला, पाँव में पायल, कान में झुमका और कर में कंगन बाला। जय 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 माँ जगदम्बे, जय हो तेरी माँ। लाल चुनरिया सर पे सोहे, गले में फूलों की माला, पाँव में पायल, कान में झुमका और कर में कंगन बाला। उंगली में है चक्र सुशोभित, सज रही मात भवानी, चम 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 के चांद समुखड़ा मन मोहे महारानी। शेर के ऊपर करे सवारी, तीनों लोक चलाती माँ, भक्त जो कोई दिल से पुकारे दौड़ी दौड़ी आती माँ। जय 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 माँ जगदम्बे, जय हो तेरी माँ। शेर के ऊपर करे सवारी, तीनों लोक चलाती माँ, भक्त जो कोई दिल से पुकारे दौड़ी दौड़ी आती माँ। इस सृष्टि में माँ के जैसा कोई नहीं है दानी, चम 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 के चांद समुखड़ा मन मोहे महारानी।